Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN 24. Namaskar, main hu Manoj Tiwari aur INN 24 news channel ke sabhi darshakon ko mere taraf se dher sari shubhkamnaye. Hi guys, mera naam hai Rajdeep Chatterjee. Please keep watching INN 24. नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस के हत्या चढ़े दो साइबर अपराधी, सिम मोबाइल के अलावा बैंक के पासबुक और एटीएम बरामद। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष द्वारा स्थानीय नीति और मोमेंटम ऑफ झारखंड का मुद्दा उठाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन के कार्रवाई के दौरान अमर्यादित भाषा के प्रयोग किए जाने पर राज्य भर में विपक्षों में मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह मुख्यमंत्री के विरोध में पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह नेतृत्व में पोखरा चौक से बीर कुंवर सिंह चौक तक मुख्यमंत्री रघुवर दास का शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाकर इस्तीफे की मांग की है। एक तरफ नौटंकीबाज प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में माथा टेक कर लोकतंत्र में घुसता है और वही लोकतंत्र के मंदिर में विपक्षी विधायकों को अमर्यादित शब्द बोला जाता है और लोकतंत्र को तार तार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि क्या यही लोकतंत्र का मर्यादा है? यही लोकतंत्र की मंदिर है जिस मंदिर में सम्मानित विधायकों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता हो? और वैसे लोग शपथ लेते हैं राज्यपाल के सामने कि मैं शपथ लेता हूँ। मैं याद दिलवाना चाहता हूँ आदरणीय रघुवर दास जी को कि आपने क्या यही शपथ लिया था कि विधानसभा के अंदर भी तालिबानी शासन चलाएंगे, कि प्रजातांत्रिक शासन चलवाएंगे, कि भारतीय संविधान के तहत हम शासन चलवाएंगे? अमर्यादित शब्द बोले हैं। इसलिए यदि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की रक्षा करने का ताकत है, यदि लोकतंत्र का हितकर है, तो अविलंब रघुवर दास को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करे तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का रक्षक है। गिरिडीह में डुमरी के विभिन्न क्षेत्रों में बीते अगस्त को हाथियों के द्वारा ग्रामीणों के फसल सहित घरों के हुए नुकसान के एवज में डुमरी वन विभाग के द्वारा 35 लोगों के बीच 182,452 रुपए का भुगतान किया गया। हाथियों के द्वारा हुए नुकसान का मुआवजा डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो सहित डुमरी प्रखंड यशोदा देवी ने लोगों के बीच बांटा। इस दौरान वन विभाग के फॉरेस्टर कामाख्या नारायण ने लोगों से अपील किया कि अगर आपके यहाँ हाथी आता है तो आप शांतिपूर्वक आग जलाकर हाथी के जाने का इंतजार करें, साथ ही हाथियों के हमले से बचने का उपाय बताया। 35 व्यक्तियों के बीच 182,452 रुपया का भुगतान किया गया। इस व्यक्ति के हाथियों द्वारा 23/8/17 से लेकर 31/8/17 तक हाथियों द्वारा इस पर क्षेत्र के अंतर्गत विचरण करते हुए मकान, फसल एवं भंडारित अनाज का नुकसान किया गया था। इसके एवज में ही आज भुगतान किया गया। बेरोजगारी समाप्त कर सभी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के बदौलत ही सूबे के मुख्यमंत्री ने 2022 तक 20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जो हकीकत में तब्दील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आगामी 12 नवंबर को स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 25,000 युवाओं को रोजगार संबंधी नियुक्ति पत्र भी राज्य सरकार द्वारा बांटे जाएंगे। रोजगार बढ़ाने व युवाओं में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कौशल विकास योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजना वास्तव में युवा सहित देश के लिए लाभप्रद है। प्रशिक्षित युवाओं ने हजारीबाग केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की ओर से ऑटोमोबाइल संबंधित मैन्युफैक्चरिंग का काम मिलने की बात कही गई थी, लेकिन वहां मजदूरों का काम कराया गया। साथ ही युवाओं का आरोप भी है कि केंद्र की तरफ से 8 घंटे काम के बदले 9,300 रुपए मिलने की बात कही गई थी, लेकिन कंपनी द्वारा 8 घंटे के बदले 16 घंटे तक का काम लिया गया और पैसे भी कम दिए गए। जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि लेबर का उनसे काम कराया गया, ये टर्म्स हमारे द्वारा से चेंज नहीं किया गया, ये कंपनी के द्वारा चेंज किया गया। एक्चुअली में उनको ये जाना था, मेंटेनेंस सेक्शन में उनको भेजा गया था और मेंटेनेंस सेक्शन में उनको बैटरी रिपेयरिंग के लिए
हम लोग ने यहाँ से कन्विंस करके उनको भेजा था, और वहाँ पे जाने के बाद ये कंपनी ने वहाँ पर चेंज कर दिया विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कंपनी को देने के बजाय, उन लोगों ने चेंज किया, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं। रहा सवाल जो कंपनी पर जो कार्रवाई करने की, वो हमारा कोलकाता हेड ऑफिस है, उन पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ये सेंटर के ब्रांच ऑफिस के माध्यम से यहाँ से इनिशिएटिव जो हम लोग को प्रेजेंट करना था कंपनी को अपने हेड ऑफिस में, वो हम लोग ने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है, और कंपनी उस पर उचित बातचीत करके उन पर कार्रवाई कर रही है। ये जो प्लेसमेंट उनका जो सेल है वो एचआर टीम के द्वारा होता है, और एचआर और हमारा जो प्लेसमेंट टीम जाता है उनको जो एचआर वो बताते हैं वही चीज हम लोग यहाँ पर बच्चों को बताते हैं। ऑफर लेटर के थ्रू होता है ये काम। अब वहां पर जाने के बाद वो टेक्निकल स्किल को दूसरे स्किल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये उनकी गलती। गिरिडीह में डिजिटल इंडिया के तहत एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने नया पेमेंट मेथड शुरू किया है। इस पेमेंट मेथड में बारकोड की सहायता से लेन देन किया जा सकता है। इसी कड़ी में बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से शनिवार को समाहरणालय परिसर से भारत क्यूआर कोड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई है। जिला के उपायुक्त उमा शंकर सिंह, एनआईसी की सोनम वर्मा आदि ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस बाबत जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत क्यूआर कोड के प्रयोग से सिर्फ बारकोड कार्ड से ही भुगतान की सुविधा उपभोक्ताओं को मिलेगी और इससे कई फायदे भी मिलेंगे। आज ये जागरूकता रैली निकाली गई है जिसको डीसी सर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको आगे बढ़ाया गया है, और ये रैली हमारे शहर के हर जगहों पे जाएगी, ब्लॉक पंचायत लेवल तक भी जाएगी ये रैली, और जिसमें हम लोग जागरूक करने का कोशिश करेंगे हर एक व्यापारियों का। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, साथ में हमारे फॉर्म्स भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक फॉर्म्स फिलअप हो और बैंक्स के द्वारा ये QR फिर प्रोवाइड किया जाए। ये बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक जो है उनके द्वारा और हमारे प्रशासन, हम दोनों मिलके ये हम जागरूकता रैली आज हम निकलवा रहे हैं। गिरिडीह निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार अर्गा घाट मोड़ के समीप पुलिस ने बाइक वाले के ऊपर लाठियां बरसाई, जिससे बाइक सवार के सिर पर चोटें आई हैं। घायल किशोर महतो बगोदर क्षेत्र के पोखरिया गांव का निवासी, जो पूर्व से लगा जाम में फंसा हुआ था। जाम को हटाने में लगे पुलिस जवान डंडे से इसके बाइक में मारते हुए आगे बढ़ाने को कहा। इसी बात पर जवान और बाइक सवार की बातचीत सातवें आसमान में चढ़ गया और कई जवान मिलकर बाइक सवार को डंडे से बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसका सर फट गया। फिलहाल पुलिस द्वारा घायल का इलाज मीणा जनरल अस्पताल में करवाया जा रहा है। वाले ने आपके माथे पे मारा? जी हाँ। और क्या बोला उसके बाद? दो दिन पुलिस पर मिल के मुझे मारा, बोले जाओ जाओ। मैं जैसे बाइक चालू किया फिर भी मैंने चालू कर दिया, बाइक भी मारा जब अचानक ऐसे मारा था, तो मैंने बाइक जहाँ छूट गए मैं गिर गई, फिर वहाँ पे पब्लिक जमे हो गए, फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आप बाइक में थे? मैं बाइक में था। कहाँ जा रहे थे आप? मैं बाजार जा रहा था, मैं गैस सिलेंडर के लिए कनेक्शन वगैरह सब ले लिया था, बस उसको किसी से कलेक्ट करना था वहाँ पे। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। गिरिडीह में साइबर अपराध से जुड़े दो शातिरों को मुफस्सिल पुलिस ने दबोच लिया है। शनिवार को SDPO मनीष टोप्पो ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मौके पर श्री टोप्पो ने बताया कि आसन बोनी गांधी गोनिक मंडल एवं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के किसनी चक बजरंगी मंडल को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गड़िया से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 4 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, बंधन बैंक का ATM कार्ड व 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 422/17 दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। 15/12/17 को मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो साइबर अपराध में संलिप्त है। ये कुम्हरगड़िया करके एक जगह है मुफस्सिल, जहाँ से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गोनिक मंडल और बजरंगी मंडल, एक गोनिक मंडल जो गांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बजरंगी मंडल बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके पास से 4 मोबाइल, 10 सिम, 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल और 1 ATM कार्ड बरामद किया गया है। केस दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। दुमका जिले के तालझारी ओपी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम तालझारी थाना क्षेत्र के बरमसा गाँव निवासी अलीबख्श अंसारी एवं हीरो राणा बताया जाता है। पुलिस ने दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी उसके ही आवास में की है। DSP श्रीराम ने बताया कि दोनों अपराधी कमीशन पर पासबुक और ATM साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया करता था। दोनों के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। नगर थाना क्षेत्र के 18 नवंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी हुई है।
पीड़ित रुकमणी साह ने नगर थाना में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बैंक मैनेजर बन अकाउंट से 1,39,000 की अवैध निकासी हुई थी, जिसके बाद साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 269/16 दर्ज हुआ था 2016 नवंबर में, उसी में हम लोगों ने उसी साइबर का कांड दर्ज हुआ था, उसी में के अनुसंधान के कारण हम लोगों ने दो लोगों को बारामासा से गिरफ्तार किया है और उन लोगों ने अपने स्वीकृति बयान दिया है कि उन लोगों ने जो है पासबुक जो लोग एक मेट उसमें से एक मेट है और पासबुक वो लोग लेबर्स का पासबुक साइबर अपराधियों को भेजा था, ठीक है, उसी में साइबर अपराध का पैसा आया था, सूचना थी हम लोगों को, उसी के आधार पर हम लोग को ये अरेस्टिंग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें INN24 पर। नमस्कार। Hi, I'm Nikita Sharma and you're watching INN24. Hello, this is Palak Nas and you are watching INN24. Hi, my name is Pooja Sharma and you're watching INN24. Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN24. Namaskar, main hoon Manoj Tiwari aur INN24 न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। Hi guys, मेरा नाम है राजदीप चटर्जी। Please keep watching INN24. नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। झारखंड के गुमला में उपायुक्त ने ली ग्रामीणों की बैठक, इलाके में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। गुमला जिले के रायडी सदर प्रखंड इलाके के सीलम गांव में प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन ग्राम प्रधान भोला उराव की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर ग्राम सभा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य खुशमन नायक, मुखिया श्वेता साहू सहित अन्य गणमान्य व गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वही सभा को संबोधित करते हुए पंचायत समिति सदस्य खुशमन नायक ने कहा कि हर जरूरतमंद गरीब को प्रधानमंत्री आवास निर्माण के तहत पक्का मकान दिया जाएगा और कोई भी गरीब परिवार के लोग ना छूटे, इसलिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिससे गरीब बेसहारा लोगों को योजना का लाभ मिल सके। हर जरूरतमंद गरीबों को जिसका खपड़ेल मकान है उसको प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत सबको ढलाई मकान मिले, इसलिए हम लोग ग्राम सभा का आयोजन किए हैं। पंचायत समिति सदस्य खुशी मनायक सिलम। लातेहार जिले में प्रभु यीशु की जन्म पूर्व क्रिसमस गैदरिंग आज मनाया गया, जिसमें आज सुबह से ही सभी चर्च में उपस्थित होकर प्रभु यीशु की प्रार्थना की और इसके बाद बच्चों ने तरह तरह के प्रोग्राम किए, जिसमें सभी लोगों ने नाच गान भी किया। साथ ही यीशु के जन्म पर कई प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें यीशु के जन्म को दिखाया गया कि किस तरह उनका जन्म हुआ था और यीशु ने उस वक्त क्या क्या किया। साथ ही लोगों को भगवान यीशु के कार्यों को बताया गया और उसके कार्यों पर चलने को कहा गया। वही फादर ने बताया कि प्रभु यीशु के पूर्व संध्या पर यह प्रोग्राम किया गया, साथ ही इसमें लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। गुमला जिले के बिशुनपुर सदर प्रखंड के पुलिस पिकेट बनालात गांव में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव राजवाला वर्मा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बनालात पहुंचना था, लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित होने के बाद जिले के उपयुक्त श्रवण साय बनालात पहुंचे और गांव के लोगों से कहा कि वे आपके द्वार आए हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करना उनकी प्राथमिकता है और बनालात एक्शन प्लान के तहत चिन्हित 32 गांव को विकास के लिए कटिबद्ध है, जिसमें 90% कार्य हो चुका है। एक्शन प्लान के तहत निरासी घाघरा बनारी व बिशुनपुर पंचायत में पानी बिजली सिंचाई शिक्षा मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची है, उन गांव को चिन्हित कर विकास पहुंचाना उनका लक्ष्य है। जमुआ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महापरिवार के बैनर तले गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत पोबी पंचायत में रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की शव यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री के ब्राह्मणों के प्रति किए गए अभद्र टिप्पणी से ब्राह्मण परिवारों में उबाल है, इसको लेकर मुख्यमंत्री का शव यात्रा के साथ साथ पुतला दहन किया गया। इस बीच ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर गंगाधर पांडे, योगेश पांडे, सुखदेव पांडे, विजय पांडे, नंदकिशोर पांडे, संजय पांडे, पवन कुमार और दर्जनों ब्राह्मण समाज के लोग शामिल थे।
रघुवंश सरकार सत्ता के मध्य में इतनी मदहोश हो चुकी है कि जाति विशेष क्या होना चाहिए वो भी नहीं जानती है। ब्राह्मण जो होता है शुरुआत से लेकर आज तक देश का वो समाज सुधारक है, चिंतक है, लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मण के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया है बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को, रघुवर जी को इस बयान को वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए सरेआम, वरना ये तो एक शुरुआत है, ये झारखंड की बात नहीं रह गई है, समस्त ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ ब्राह्मण है ये जंगल की आग की तरह फैली जा रही है और युद्ध स्तर पर इनके बयानों की कड़ी निंदा की जा रही है और पुतला दहन किया जा रहा है। कोई भी जाति विशेष पर किसी भी तरह का उल्लेख करना किसी का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी ने एक ब्राह्मण के खिलाफ जो अपने अपशब्द का जो बयान दिए हैं, गलत बयान, इनको इस तरह का नहीं देना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।